बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर मंगलवार को पार्टी के आईटी सेल के नव नियुक्त अधिकारियों के साथ महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बैठक करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने महानगर के लिए बीजेपी आईटी सेल के संयोजक पद पर पीयूष मिश्रा और सह संयोजक पद पर शमीर श्रीवास्तव की नियुक्ति किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें आईटी सेल का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। हर मंडल में आईटी के दो दो कार्यकर्ता बनाए जाएंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। इस मौके पर बीजेपी के महानगर आईटी सेल के नव नियुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने गोरखपुर महानगर के लिए आईटी के संयोजक के पद पर श्री पीयूष मिश्रा जी, सह संयोजक के तौर पे श्री समीर श्रीवास्तव जी की नियुक्ति की है। हम भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से श्री पीयूष जी, श्री समीर श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित ही आगामी जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें आईटी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसलिए हम सभी आईटी को नीचे तक अपने मंडल स्तर तक मजबूत करेंगे और हर मंडल से भी हमारे आईटी के कार्यकर्ता दो दो कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। निश्चित ही समीर जी और पीयूष जी के की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, ये अच्छी टीम बनाएंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है।